ये क्या, सर की जीप यहाँ खड़ी है लेकिन सर नहीं है। अरे रघुराम सर, रघुराम सर, रघुराम सर, आपको क्या हुआ सर? आप इस तरह नीचे क्यों गिरे? पकिया, मैंने घर जाने के लिए जीप में बैठकर जैसे उसे स्टार्ट किया, जोर का धक्का लगा और मैं नीचे गिर गया। ये बात है, आपको चोट तो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, अब मैं समझ गया सर, आप प्यार के धुन में इतने खोए होंगे कि जीप का गियर बदले बगैर स्टार्ट कर दिए होंगे और झटके से बाहर गिर गए होंगे। ऐसा हो सकता है पकिया? बिल्कुल, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। धनु का बाप धनु की शादी मुझसे करने के लिए राजी हो गया। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ सर, बुड्ढा मान गया। वेरी गुड। मैं आपका सबसे अच्छा साथी हूँ ना, बिल्कुल। इसलिए तो सर, जिस दिन आपकी शादी होगी उसी दिन मैं धनु से शादी करूंगा। बहुत अच्छा, वाह। सर आपको अपने गांव जाना ना, देर हो रही है, जाइए जल्दी। जाता हूं, लेट हो जाऊंगा। संभल के जाइए सर, हैप्पी जर्नी सर, जल्दी आइएगा। अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, हनुमान कई नामों से पूजे जाते हैं। उनके महिमा तो अपरंपार है, अपने भक्तों की पुकार वो सदैव सुनते हैं। वायु पुत्र मारुति तो हमेशा राम नाम जपते रहे और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कहलाए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। Thank you.
भैया को अब तक पहुंच जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? मुझे डर लग रहा है। तुम बिल्कुल मत डरो शोभा, तुम्हारे भैया तो हीरो हैं, उनको कुछ नहीं होगा। ये तो बस उनका दुर्भाग्य था कि वो मुंबई पुलिस के हाथों पकड़े गए। तो क्या हुआ, फिर भी हीरो की तरह छुटकर शान से वापस जरूर आएंगे, देख लेना। हाँ हाँ, सच कहते हो, तुम्हारे भैया तो सांप की तरह है, उन्हें पकड़ कर रखना इतना आसान नहीं, बहुत जहरीले। देखो भैया आ गए। भैया भैया भैया, शोभा कैसी हो तुम? आपके साथियों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए ना। क्या बताऊं शोभा, पहले मुझे मुंबई सेंट्रल जेल में रखा गया, लेकिन वो लोग मुझसे इतने परेशान हो गए कि उन लोगों ने मुझे वहाँ से नासिक सेंट्रल जेल में भेज दिया और मैं वहाँ से भाग निकला। हाँ तो साथियों, अपना क्या चल रहा है, यहाँ पर सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ भैया, आपका दिल रखने के लिए कह रहे हैं। कोई बात नहीं शोभा, अब जब तुम्हारा भाई वापस आ गया है तो एक एक की वो खबर लेगा। पतलो, मुझे सब खबर चाहिए। ये बताओ मुझे, मेरी गैर मौजूदगी में किसने हमारा हुक्म नहीं माना? किसकी इतनी हिम्मत भैया कि आपका हुक्म न मानकर अपनी बात को बुलावा दे? सच कहा पतलू ने, लेकिन एक है जो आपसे बहुत नाराज है। ओ बंसी, नाराज हो गया है मुझसे? अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कालू अब तुम्हारा भैया आ गया है, दुखी मत हो, आओ। शोभा ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं किया। साथियों जी, जेल में मैंने बहुत कुछ सोचा था, उस प्लान को काम में लाना होगा, आओ मेरे साथ। मैं ये पूछने आया हूँ, क्या जानकी यहाँ आई है? अपनी मामी से मिला बगैर भला उसका दिल कहाँ भरता है। वो क्या है ना जीजा जी, जानकी के हमारे यहाँ आने से हमारा भी दिल बहल जाता है और इस सूने आंगन में बाहर आ जाती है। मैं उसे बुलाता हूँ। बेटी जानकी, बाहर आओ बेटी, तुम्हारे पिताजी आए हैं। पिताजी आए हैं? जानकी एक मिनट रुको, कुमकुम लगा कर जाओ, कहीं मेरी बिटिया को किसी की नजर न लग जाए। क्या कहती हो बहन, मेरी बेटी को भला किसकी नजर लगेगी? जीजा जी, हमारी जानकी अब सियानी हो गई है, आप तो पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, जानकी की शादी के बारे में सोचिए, दिन भर हनुमान जी की पूजा में व्यस्त रहते हैं। समझता हूँ माधव, सब समझता हूँ, इसीलिए तो हनुमान पूजा के बारे में जानकी को बताने के लिए आया हूँ। अगर ये पूजा करेगी तो हमारी जानकी को अच्छे और योग्य पति की प्राप्ति होगी। तुम सुन रही हो शांति की जिया जी क्या कह रहे हैं, सिर्फ पूजा करने से काम नहीं चलेगा, हमें वर की भी तलाश करनी होगी। शांति, हनुमान जी की पूजा के बारे में जानकी को बता दो। जानकी हर दिन सुबह उठकर नदी में नहाकर मंदिर की परिक्रमा करके हनुमान जी के चरणों में कुमकुम लगाना, इस पूजा को करने से हर लड़की को उसका मनचाहा वर अवश्य प्राप्त होता है। क्यों बेटी, तुम ये व्रत करोगी ना? मैं जरूर करूंगी। ये जीप फिर से बंद हो गई। पकिया सर, मेरा नाम प्रकाश है, पकिया पकिया क्यों बोल रहे हैं मुझे? पकिया कहना मुझे अच्छा लगता है, देखता हूँ जीप को क्या हुआ। ये क्या हुआ रघुराम सर, गांव में पहुँचने से पहले जीप खराब हो गई, अब हम लोग गांव कैसे पहुँचेंगे? और रेडिएटर गर्म हो गया। मेरे पेट में जो चूहे कूद रहे हैं उनका इंतजाम तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ना। चुप कर यार, जाकर कहीं से पानी ले। ठीक है, बेकार में गुस्सा मत करिए, लेकिन ये तो सोचिए पानी लाने के लिए बर्तन चाहिए, सरकारी जीप है, बर्तन कहाँ से लाऊं? ठीक कहा तुमने सर। मेरे पास एक आइडिया है। बताओ। ऐसा करते हैं हम दोनों
इस जीप को ढकेल के नदी में डुबा देते, फिर जितना चाहिए पानी ये अपने आप पी लेगी। बकवास मत कर यार, कुछ भी कहता रहता है। पकिया, कोई आइडिया नहीं सर। लगता है बात बन गई। क्या? वो देख लड़की, उससे बर्तन मांगकर पानी लेकर आओ। अरे बाप रे, देखिए सर, आप तो जानते कि मैं ठहरा पक्का ब्रह्मचारी, कहीं मेरी जवानी पे फिदा होकर वो लड़की मेरे पीछे पड़ गई और मुझे लाइन मारने लगी। मेरे कुवारेपन को भंग मत करिए सर। सुनिए जी, हमारी जीभ बंद पड़ गई है, जरा पानी चाहिए था। आप अपना पानी का बर्तन दे सकती हैं? दशरथ पुत्र अयोध्या पति श्री राम ने जब पहली बार माता सीता को देखा तो माता सीता प्रसन्न हो गईं। उसी तरह कमल की भांति माता सीता की आंखें और प्रसन्न चित चेहरे के प्रति श्री राम आकर्षित हुए। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए, जैसे कब के बिछड़े हुए हों। ऐसा लगा कि उनका संबंध जन्म जन्म का है। मिथिला नरेश के इस उद्यान में श्री राम को ढूंढते हुए उनके गुरु विश्वामित्र का आगमन हुआ। उन्होंने श्री राम और माता सीता को इस अवस्था में देखा तो मन ही मन प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात उन्हें आवाज दी, राम श्री राम। पुकार सुनकर श्री राम वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं माता सीता को देख रहे थे। माता सीता को बड़ी लाज आती है और माता सीता लजाकर दौड़ी दौड़ी अपने महल में चली जाती हैं। आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा हम कल शुरू करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र की जय हो। सभी भक्तगण जाने से पहले प्रसाद जरूर ग्रहण करें। लड़की अकेली है, बात करके देखता हूँ। श्रीमती जी। क्या मुझे श्रीमती क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें श्रीमती दिखाई देती हूँ, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो मैं सिर्फ 16 साल की हूँ। समझ गया, सब समझ गया। ये सब घी में तले पराठे खाकर तुम इतनी मोटी हो गई हो। इस गांव में नए हो क्या? जल्दी बताओ क्या काम है तुम्हें? क्या कि यहाँ का सर्वे ऑफिस कहाँ है? वो सब कुछ मुझे नहीं मालूम। वो देखो, मेरा बाप शराब के नशे में दूध गाता हुआ चला आ रहा है, उनसे ही पूछ लो। ठीक है, पूछ लो। नमस्ते जी। जरा भी न समझो, ये तो बलराज साली का गाना है। ये बताइए, क्या यहाँ का सर्वे ऑफिस कहाँ है? यही मौका है, ये मुझसे शराब के ऑफिस का पता पूछ रहा है। वाह वाह वाह, क्या बाका जवान है। मैंने आपसे ऑफिस का पता पूछा, ना कि मेरी तारीफ करने को कहा। वैसे भी अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं। वाह क्या बात है, आपकी और मेरी खूब जमी। ऐसा क्या? तो फिर ऑफिस कहाँ है ये तो बताओ। जरूर बताऊंगा, आइए आइए। मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त है भाई? आप रोज मुझे शराब पिलाएंगे। मैं शराब पिलाऊं? हाँ, तब भी बताऊंगा। हाँ, मैं आपको पता बता रहा हूँ तो रोज शराब की बोतल तो लूंगा ही। ये तो केस्टो मुखर्जी का भाई लगता है। अरे भाई सुनो। हाँ। मैं शराब की नहीं। हाँ। मैं शहर से आया हूँ, साथ में मेरे साहब भी हैं, ऑफिस का ऑफिसर है। हाँ, सर्वे ऑफिस में। हाँ। लेकिन मैंने तो शराब ऑफिस सुना, इसमें मेरा क्या कसूर? जरा सुनिए जनाब, यहाँ कोई आसपास होटल है क्या? यहाँ कोई होटल वोटल नहीं है, सिवाय धन्नो के ढाबे के। धन्नो? जो 16 साल में गोलम गोल है, गोल मटोल है, अभी उसके पास जाता हूँ। गरम गरम पराठे खा कर आता हूँ। यहाँ बड़ी गंदगी है। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। मेरा नाम रघुराम सिन्हा है। अच्छा। मैं एक सर्वे ऑफिसर हूँ, मेरा यहाँ तबादला हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जानते हैं, कई सालों से ये दफ्तर यूं ही बंद पड़ा है, आपकी क्या मदद करूँ? जब सालों से बंद पड़ा है तो जाहिर सी बात है काफी गंदगी भर गई है। सर बुरा ना माने तो झाड़ू मिलेगी? अरे अरे, ये सब करना आपका काम नहीं है। एक मिनट, जानकी, बेटी जानकी। जी पिताजी। यहाँ आओ बेटी। ये यहाँ के ऑफिसर रघुराम सिन्हा है, आज ही यहाँ आए। इनके दफ्तर में काफी गंदगी है, तुम जरा सफाई कर दो बेटी।
जी अच्छा। सुनो साथियों, बहुत दिन हो गए हमें चुपचाप बैठे, अब और नहीं। मुझे इस तरह का शांत माहौल पसंद नहीं है। अब कुछ माहौल को अशांत कर दिया जाए तो मजा आ जाएगा, क्यों? ठीक है ना? हाँ, वो देखो। साथियों, अपना जलवा दिखाने का वक्त आ गया है। सुनो कालू, शांत माहौल को अशांत करके आओ। ये मुर्गी कितने में बेच रही है? ए, बात कम कर, चल उठाना इसको। सचमुच यार, तूने पते की बात कही है? आहट की तरह जो मेरी जिंदगी में दाखिल हो चुकी है। लेकिन बिन बोले
जो दिल की बात समझ ले उसका क्या कहना। मुझे पता नहीं ये क्या हो गया है, मैं दूर कहीं सपनों की दुनिया में खो गई हूँ। दीवान की ये सब कुछ और नहीं, एक गहरा सा असर है जो हम दोनों की रूह पे है। जहां पर छाया है हाँ, इस मीठे दर्द का एहसास मैंने भी महसूस किया है। कभी जब तुम न रहोगी, कभी जब मैं न रहूंगा, और फिर कभी जब हम दोनों ही न रहेंगे, तब इन वादियों में रह जाएगी सिर्फ हम दोनों की कहानी। शौक नहीं है मुझे, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। न तुम राम हो न मैं सीता हूं, बस हमारा प्यार ही हमारी कहानी है। शिवाय। ईश्वर, परमेश्वर, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, आपका ये भक्त आपके चरणों में आया है। माफ करना, आप कौन? मैं परमेश्वर का परम भक्त मुखिया जी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी शिवलिंगों का दर्शन करने निकला हूं, इससे मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। हर दिन हर पल मेरे कानों में ईश्वर की आवाज गूंजती है, भक्त कहां हो तुम, आओ आओ। आखिरकार आज यहां कर लगता है मेरे मन को शांति मिल गई। भक्तों के बीच आकर आप लोगों की भक्ति देखकर ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं,
और भी लोग परमेश्वर की पूजा में लीन हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। आप जैसी पुण्य आत्मा के दर्शन हमारा सौभाग्य है। हम सबका जीवन तो धन्य हो गया। आप हमारे यहाँ पधारे, यही काफी है। सबका भला होगा, अवश्य होगा। आप कहाँ पर ठहरे हैं स्वामी जी? ये संसार तो एक मंदिर है, सब भगवान की कृपा है। ये अपने भक्तों की हर बात को जानते हैं, उसे कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, उसकी व्यवस्था स्वयं कर देते हैं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मेरे एक परिचित का घर है, मैं वहाँ आपके ठहरने का इंतजाम कर दूँ। ओम नमः शिवाय। जैसी शिव जी की इच्छा, उनकी इच्छा पर तो सारा संसार निर्भर है। मैंने तो अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया है, उनकी सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं मैं। ओम नमः शिवाय। इतना बड़ा घर भैया, मुझे ये घर बहुत पसंद आया, हम यही रहेंगे। जैसी शिव जी की इच्छा, जब मेरी इकलौती बहन को ये पसंद है तो मैं कैसे ना कर सकता हूँ। तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। भैया मैं जरा जाकर पूरा गांव घूम कर आती हूँ। ठीक है बहना। क्या कहूँ, आप जैसे सज्जन लोगों का मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं आप सबका आभारी हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आप विश्राम कीजिए, बाद में मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। ओम नमः शिवाय। कमाल का एक्टर हूं मैं, सबको बेवकूफ बना दिया। पकिया, आप इस लड़की को सामने से हटाओ। लड़की? ये तो आपको देख रही है। मजाक नहीं, इन्हें सामने से हटाओ। कोशिश करता हूँ, माफ करना बहन जी। हटिए ना, नाप लेना है। नाप लेना है? बताती हूँ ना, लंबाई 5 फीट, वजन 50 केजी, चेस्ट 36 इंच, कमर 32 इंच। कहो कैसा नाप? अरे बाप रे, ये तो अपने फिगर का नाप बताने लग गई। तो क्या है कि हमें आपके नाप की जरूरत नहीं है, जमीन का नाप लेना है, उसके बारे में पता करना है। हम सर्वे कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दो ना। मैं नहीं हटूंगी। नहीं हटोगी? ये जमीन क्या तुम्हारी है? मेरे भैया नागराज है, मेरे भैया इतने अमीर है कि ये जमीन क्या आपको भी मेरे लिए खरीद सकते हैं। ये मामला क्या है? लव का मामला। लव का? ये मुझ पर छोड़ दीजिए, इसे तो मैं अकेले झेल लूंगा सर। अपने लक्ष्मण पे भरोसा रखिए। लक्ष्मण तो शुरू हो जाओ। तो क्या तुम नागराज की बहन नागरानी हो? तो ये लो, ले लो। किस लिए? ये जड़ी बूटी है, कमाल की है, इसे ना बड़े जतन से अपने शरीर पे मलना तुम, फिर देखना हमारे सर कैसे इसकी सुगंध से तुम्हारे करीब खींचे चले आएंगे, फिर तुम्हें प्यार से अपनी बाहों में जकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे। ऐसा क्या? बिल्कुल सच? सही कह रहा हूँ। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से इसका इस्तेमाल करो और फिर देखना। लगी बदन में ज्वाला, सैया तूने क्या कर डाला? लगी बदन में ज्वाला, मैंने उसको अपनी बातों में फंसा लिया और उसको खुजली का पेड़ उसको दे दिया। आपके प्यार का असर होने लगा है, खुजली गड़बड़ करने लगा है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छुट्टे पैसों के लिए इससे क्यों लड़ रहे हो? मैं तुम लोगों को नोट देता हूँ ना। अच्छा नोट दोगे? बिल्कुल दूंगा, इधर तो आओ, मैं तुम लोगों को नोट देता हूँ अभी। आ जाओ आ जाओ, ले नोट, ये भी ले ले। Thank you.
क्या हो रहा है? इस तरह क्यों मार रहे हो? शिव जी के बनाए इस संसार में हम सब प्राणी हैं। माफ कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। पश्चाताप ही पापियों के लिए उचित दंड है। नौजवान, इन दोनों को माफ कर दो। आइंदा ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपकी सज्जनता का मान रखते हुए मैं इन्हें माफ करता हूं। मेरी बात मानो, ये काम छोड़ शिव में लीन हो जाओ। शिव तुम्हारा जीवन सफल करेंगे। जाओ जाओ। अच्छा स्वामी। सर स्वामी नागराज जी, आपके विचार उत्तम है। सब शिव जी की ही इच्छा है। और इस तरह जनक राजा के दरबार में सीता देवी के स्वयंवर में आए अनेकों राजकुमार शिव धनुष को तोड़ने में असफल ही रहे। ऐसे में लंकापति रावण बड़े गर्व के साथ सीना ताने वहां आए। कैलाश पर्वत को अपने सर पर उठाने का गर्व उनके मुखमंडल पर छाया हुआ था। काल पर विजय पाकर सोने की लंका बना डालने पर उन्हें घमंड था। शिव धनुष को तोड़ना उन्हें जैसे बालक के खेल के समान ही प्रतीत हो रहा था। इतने में दरबार में आए रावण को सीता देखती है। वहां सब कुछ भुलाकर रावण सीता को देखते ही रह जाते हैं। सीता भयभीत हो जाती हैं और रावण की नजर सीता से ना हटने के कारण सीता देवी मन ही मन विचलित हो उठती हैं। कैसे भी हो सीता को अपना बनाना है, ये चाह मन में लेकर रावण शिव धनुष उठाने जाते हैं। लेकिन वो शिव धनुष रावण से भी उठ नहीं पाता है और रावण असफल हो जाते हैं। आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगा। नमस्ते। आपका स्वागत है। नमस्ते। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे इंसान मुझसे मिलने चले आए हैं। मुझे क्यों बुलाया है? बात यह है पंडित जी कि कल जब से मैंने आपका प्रवचन सुना है, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया है। मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो आप ही की भलाई है। बात यह नहीं है पंडित जी, मानसिक शांति तो मुझे अब तक नहीं मिली है, लेकिन मैं इस वक्त एक समस्या में फंसा हुआ हूँ और समस्या का हल सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं। आपकी समस्या को हल करने की मैं कोशिश करूँगा। पूजा करते समय हम भगवान के चरणों में फूल अर्पित क्यों करते हैं पंडित जी? भक्तगण के मन की इच्छाओं को फूल के द्वारा उनके चरणों में अर्पित करके भगवान तक उनकी इच्छा पहुँचे, ये हमारी कोशिश होती है। अच्छा अच्छा, क्या ऐसा करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? मन को शांति तो मिलती ही है। ये सोचकर कि भगवान के चरणों में फूल अर्पित करके मन की बात कह तो डाली। सच कहते हैं आप, मतलब अगर दिल की बात किसी से ना कह डालो तो शायद आपकी इच्छा कभी पूरी ना हो,
है ना पंडित जी? बिल्कुल सही कहा। हाँ, इसीलिए तो मैंने अपने दिल की बात किसी तक पहुँचाने के लिए आपको यहाँ बुलाया। मैं किसी की सुंदरता पर अत्यंत मोहित हो गया हूँ और इसलिए आपकी मदद चाहता हूँ। आप मेरी मदद करेंगे ना? मैं जिससे प्यार करता हूँ वो सुंदरी कोई और नहीं, आप ही की बेटी है जानकी। हरगिज नहीं। आप इतने चौंक क्यों गए पंडित जी? जिससे प्यार करो उसे अपना बनाना, इसमें कोई बुराई तो नहीं है? दुष्ट, तुम जैसे इंसान से जानकी का रिश्ता कभी नहीं करूंगा, तुम उसके लायक ही नहीं। शिव भक्त होने का ढोंग रचाकर तुम कितने नीच आदमी हो यह पता है मुझे। तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। छी, पापी कहीं के। रुक जाओ, एक बार जो यहाँ आता है बगैर मेरी इजाजत के वापस नहीं जा सकता है। बेहतर यही होगा कि आप मेरी बात मान लें, तभी आप अपनी बेटी के साथ सुख से रह सकते हैं। बस करो तुम, मुझे इस तरह की खुशी नहीं चाहिए। मैं हनुमान भक्त हूँ, समाज में मेरी मान और प्रतिष्ठा है। हनुमान की भक्ति करके मेरा जीवन खुशहाल है। उनकी हम भक्तों पर असीम कृपा है। आइंदा मेरी बेटी जानकी पर बुरी नजर डाली तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना। पुत्र, पवन पुत्र, मैं तो जीवन भर आपकी निस्वार्थ सेवा करता आया हूं। ये आपने मुझे किस पाप की सजा दी? मेरे किस जन्मों के कर्मों का फल है ये? हनुमान जी, रात दिन मैं तो बस आपकी भक्ति में डूबा रहा। हनुमान जी, जाने अनजाने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पवन पुत्र, आपकी महिमा गाता रहा। हनुमान जी, मेरी बेटी की मां नहीं है, बाप भी मर रहा है। अब तो उसके माँ बाप सब कुछ आप ही है प्रभु। हनुमान जी, मेरी बेटी की रक्षा करना। हनुमान जी मेरी बेटी की रक्षा करना। हनुमान जी, मारुति नंदन, हनुमान जी, मेरे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया। मेरे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु, आप अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, मैं तो धन्य हो गया। भक्तों के प्रति इतनी असीम कृपा रखते हैं। मारुति नंदन, मेरी बेटी की रक्षा करना। मारुति नंदन, अंजलि पुत्र, पवन पुत्र, जय हनुमान जी। पिताजी, जी जी, पिताजी, जानकी, जानकी, ये आपको क्या हो गया पिताजी? कौन टाल सकता है? हिम्मत रखो जानकी, जानकी, कैसे हिम्मत रखो बेटी? हिम्मत रखो, मेरे पिताजी ने किसका क्या बिगाड़ा था? हिम्मत रखो बेटी, जानकी। जानकी।
के लिए इस मारुति को भेजा है प्रभु। भैया शोभा आओ बहना, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही खुशी की है भैया। ओ तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है प्यारी बहना। लेकिन वो खुशी की बात है क्या भैया? हाँ बात ये है कि मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ। एक बात कहूँ शोभा, मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा। बहुत आतिशबाजी होगी, स्वादिष्ट पकवान होंगे, बैंड बाजे के साथ बराती आएंगे। लेकिन ये बताओ लड़का कौन है, मैं उसे लेकर अभी आता हूँ। पहले मैं उससे बात करूंगी, फिर उसे आपके पास लेकर आऊंगी। जैसा तुम चाहो, जाओ बहन। मारुति, ओ तुम आए हो। मारुति, आज के दिन रामनवमी है, क्या इसलिए तुमने पूजा की तैयारी की है? रामनवमी है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। आपने आकर अच्छा किया। ये बंदर तो बड़ा नटखट है। नटखट नहीं, इसका नाम मारुति है। मारुति, अच्छा नाम है। जानकी, मैं चलता हूँ। प्रसाद तो लेकर जाइए। शादी से पहले एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए, मारुति यही कह रहा है। जानकी, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा और उसी दिन तुमसे ही शादी करने का फैसला किया। आज मारुति के सामने हनुमान जी की कसम खाता हूँ, तुमसे ही शादी करूंगा। मारुति ने हाँ कर दी तो मेरी भी हाँ है। हनुमान जी, अंजनी पुत्र जिसे मैंने चाहा उसी के साथ मेरी शादी होने वाली है, ये सब आपकी कृपा है। अपना आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बनाए रखना। जय हनुमान जी। हनुमान जी, आप सदा मेरे साथ रहना, मुझे कन्याओं से दूर रखना ताकि मैं ब्रह्मचारी बना रहूं। मैं हूं ब्रह्मचारी। ब्रह्म कौन है? कौन है? पक्या, भाई रुक जाओ। ये क्या है? चाकू। किस काम आता है? काटने के लिए। ये क्या है? रस्सी। किस काम आता है? गले में लटका के लटकने के लिए। ये क्या है? जहर। किस काम आता है? खा करके मरने के लिए। अब ये बताओ इन सबसे क्या करूंगी मैं? अब तुम क्या करने वाले मुझे क्या पता, कहे तुम आत्महत्या तो नहीं करोगी? हाँ करूंगी। अरे नहीं, इस सुंदर से चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है भाई? पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम हो कि मुझसे दूर दूर भागते हो, इसलिए तो
मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया है, लेकिन अब मेरा फैसला बदल गया है। पहले तुम्हें मारोगे, फिर मैं मरूंगी। इसकी क्या जरूरत है भाई? क्या भी तुमसे प्यार करता है? आज तक मैं तुमसे दिल की बात नहीं कह पाया था ना। चलो अच्छा हुआ जो तुमने आज जो तुमने कह दिया। एक काम करते हैं ना, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो चलो दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। शादी कर ले, सबसे पहले जाकर मेरे बाप से बात कर लो। मैं तो भूल ही गया था, वो मेरा शराबी बाप है ना, हमेशा नशे में धुत रहता है, मेरी शादी नहीं होने देगा। ओहो, तो तुम्हें इस बात की फिक्र है? घबराओ मत, ये पकिया ना तुम्हारे बाप को ऐसे पकाएगा कि वो शादी के लिए तैयार हो जाएगा। अब तो खुश हो जाओ। चलो दनु, सामने वाले बगीचे में चल के ना हम दोनों मिलकर के गुटर गू करते हैं। चलो आ जाओ। क्या तुम जिस लड़के को चाहती हो वो जानकी से शादी करने वाला है? हाँ भैया, मैंने जानकी को मरवाने की कोशिश भी की, लेकिन वो बच गई। शोभा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे जान से मार दूंगा, देखती जाओ तुम्हारा भाई क्या कर सकता है। नागराज, तुम? हाँ, मेरी बात नहीं मानोगी तो नागराज, अगर मानोगी तो राजा। तुम कमीने हो। अरे तो वही लड़की है जिसे हम उठा लाए थे। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो 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 चलो। लेकिन ये नागराज बहुत ही नीच और घटिया इंसान है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो मेरी बातों पर कौन यकीन करेगा? कौन यकीन करेगा?
कौन यकीन करेगा? और अगर मैंने किसी से नहीं कहा तो फिर दोबारा वो यही हरकत करेगा। मैं क्या करूं हनुमान जी, मैं क्या करूं? आप जल्दी से मेरी शादी करवा के मेरे गले में आपके मंत्रों से बंधा हुआ मंगलसूत्र मेरे पति के हाथों से पहनवा दीजिए प्रभु। हनुमान जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते मुखिया जी। आइए सोमनाथ जी। आपसे जो रुपया उधार लेकर गया था वो लौटाने आया हूँ, ये लीजिए। आप इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा श्रीरामपुर जा रहा हूँ सोमनाथ जी, जानकी की शादी के लिए लड़के वालों से बातचीत। अच्छी बात है, अभी तो जानकी बिटिया को बस आप ही लोगों का सहारा। वो तो है सोमनाथ जी, जीवन भर हनुमान जी की पूजा और सेवा करते रहे जीजा जी, उन्हें दुनियादारी की तो कभी फिक्र रही नहीं, आखिर जानकी सयानी हो गई है। जानकी जैसी सुशील लड़की के लिए लड़कों की क्या कमी है, उसके लिए अच्छा रिश्ता जरूर मिलेगा। हनुमान जी की कृपा से पंडित जी के शुकर्मों का फल जानकी को अवश्य मिले। शांति। हाँ? जरा सुनो तो। अभी आई। अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, कल शाम को पंचायत में जरूर आइएगा। जी ठीक है जरूर। क्या बात है जी, ये सोमनाथ बाबू सुबह सुबह क्यों आए थे और आप कहाँ जा रहे हैं? आपको याद तो है ना कि जानकी के लिए लड़का देखने श्रीरामपुर जाना है। हाँ हाँ शांति, मुझे सब कुछ याद है, आखिर उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, मामा जो हूँ। ठीक है। अरे 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 मारुति। जानकी एक बात कहूँ, हमारी शादी के बारे में मैं अपने गांव जाकर अपने माँ बाप से बात करना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक तो है, लेकिन तुमसे दूर जाने का मन नहीं करता। मेरी बिटिया उल्टा सीधा खा लिया क्या? उल्टी क्यों कर रही है? बाबू जी अगर मैं कुछ कहूँ तो नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे अरे अरे, मैं तुझसे क्यों नाराज होऊंगा? तू नाराज हो गई तो ये कहाँ से आएगी? तू नाराज हो गई तो पराठे कौन बनाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे? वो क्या है ना बाबूजी, कल मैं शाम को डॉक्टर के पास गई थी चेकअप करवाने के लिए। हाँ, डॉक्टर के पास क्यों? वो क्या है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, हम दोनों से गलती हो गई है और अब मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अच्छा, माँ बनने वाली हो? पकिया? पकिया नहीं, प्रकाश सर। एक ही बात है यार, आप कुछ कह रहे हैं? गाँव का ये नजारा कितना खूबसूरत है ना? सच कह रहे हैं, लोग भी कितने अच्छे हैं। आप एकदम सच कह रहे हैं सर। बचाओ! सर, लड़की पानी में गिर गई। क्यों? क्यों? बचाओ! बचाओ! हमारे सर कितने अच्छे हैं, सबकी भलाई के बारे में हमेशा सोचते हैं, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। ये क्या हो रहा है?
रक्षा मुझे नहीं पता, लज नहीं मुझे क्यों नहीं आता, नहीं मैं हूँ किसी का, कैसे कहूँ मैं किससे कहूँ, हाँ कैसे कहूँ मैं किससे कहूँ। साथी तो बनेगा मुझे ही मानेगा, होगा बंदी मेरा तू, यही दवा मेरी सुन वो जाने जा, यही मेरी आरज़ू। साथी तो बनेगा मुझे ही मानेगा, होगा बंदी मेरा तू, यही दवा मेरी सुन वो जाने जा, यही मेरी आरज़ू। असर ये तू देख ले, बदन में आग जलती, आके तू इसे बुझा ले, बिना कहे बात मान ले, मेरे जो मन धड़ बिहाय, ये ज्वाला हम कैसे बुझाए। छोटी छोटी आशा मुझे नहीं पता, लाज नहीं मुझे क्यों नहीं आता, नहीं मैं हूँ किसी का, कैसे कहूँ मैं किससे कहूँ, हे कैसे कहूँ मैं किससे कहूँ, कैसे कहूँ मैं किससे कहूँ, ये हालत किसने की, किसकी ये हिम्मत हुई, बोलो। भैया वो सर्वे ऑफिसर रघु है ना, जिससे मैं प्यार करती हूँ, जब मैंने उससे शादी करने के लिए कहा था, उसने मेरी हालत कर दी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी भैया, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे डर लगता है भैया। घबराओ मत, मैं हूँ। पकिया जी सर, पकिया ये तो नागराज है ना? हाँ सर, इसे इस हालत में देखकर तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। नमस्ते नागराज जी, क्यों जनाब बंदूक से कबूतर का शिकार कर रहे हैं क्या? थोड़ा ज्यादा करिएगा तो हमें भी कुछ मिल जाएगा सर, खाने पीने के लिए। बकवास बंद करो, मेरी बहन को बेइज्जत किया तुम लोगों ने, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, खून डालूंगा। सर आपने बिल्कुल अक्षय कुमार की तरह फाइट किया, आपने ना नागराज की ऐसी धुलाई की कि अभी तक वो पानी में डूब किया मार। अरे क्या क्या अरे तैरना नहीं आता, तैरना नहीं आता, मैं तो थोड़ा जोश पागल है क्या? चल जोश मत दिखा, चल मेरा प्यारा पकिया। आज इसको क्या हो गया, मुझे क्यों बुला रहा है?
बड़े प्यार से बुला रहा है, दाल में कुछ काला है, निकल ले बेटा, भाग ले। मैं तो भूल गया था कि ये इतना तेज दौड़ता है। अरे बाप रे, कमर टूट गई इस बुढ़ापे में और मर तोड़ा मुझे। मेरी इकलौती बेटी धनों से शादी करके मुझ बूढ़े पर एहसान कर दे पगिया, मुझे छोड़कर मत जा, मुझे ऐसे छोड़कर मत जा, मत भाग पगिया, रुक जा बाप। तो बंदर तो मार ही डालता, जान बची तो लाखों पाए, बंदर तो मार ही डालता। आग किसने लगाई? आग किसने लगाई? आप लोग मेरी बात सुनिए, मुझे यकीन है, मुझे जान से मारने की कोशिश की नागराज ने, जानकी के घर में आग लगाकर उसे भी मारने की कोशिश की उसने। ये सब काम नागराज के सिवा और कोई नहीं कर सकता, बेहतर यही होगा कि नागराज को पंचायत में बुलाकर उसे उसके किए की सजा दी जाए। देखिए रघुराम जी, किसी और पर ऐसा इल्जाम लगता तो उन्हें पंचायत में बुलाया जा सकता था, लेकिन नागराज जी भगवान के परम भक्त हैं, हमारे परम आदरणीय हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल सही कहा है पंचो, हर सफेद चीज दूध नहीं होती, ठीक उसी तरह नागराज का चरित्र भी है। उसकी सच्चाई का पता चलता ही चौंक उठेंगे आप सब। सुनिए, बात यह है कि किसी के बारे में सच्चाई जाने बगैर उस व्यक्ति पर यूं ही पंचायत किसी की शिकायत पर कार्यवाही नहीं कर सकती, समझे? इस पर हम गौर करेंगे। पंचो, जब तक आप गौर करेंगे बहुत देर हो जाएगी, चलो पकिया। पकिया नहीं प्रकाश, कहा ना चलो। नागराज का गुस्सा मुझ पे उतार रहे। नमस्ते। पंचायत के लोग हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, हमें भी नागराज के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। Thank you.
जगह ठीक रहेगी। पकड़ लिया प्यारे पंगिया को, पकड़ लिया। मैं आपका प्यारा पंगिया कब से हो गया? जब से मेरी बेटी के पेट में तुम्हारा बच्चा है। तनु के पेट में मेरा बच्चा? लेकिन ये सब हुआ कैसे? आप इतने बोले मत बनो, जल्दी से मेरे दामाद बन जाओ। अरे बाप रे, शादी करनी पड़ेगी? नहीं की तो करनी पड़ेगी। कहाँ फंस गया मैं? जल्दी से मेरे दामाद बन जाओ। नीचे आ जाओ पकिया, इस बूढ़े पर तरस खाओ, मेरी बेटी का उद्धार करो, उससे शादी कर लो। मेरी बात मानोगे? तुम जो कुछ भी कहोगे मैं करूँगा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी धनु से शादी करूं और आपकी इज्जत बनाऊं, तो आपको अभी से शराब छोड़नी पड़ेगी। इज्जत बनानी है कि नहीं? बनानी है तो शराब छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो मैं दूल्हा बन के नहीं आऊंगा। ऐसी शर्त रखकर क्यों इस बूढ़े को जीते जी मारने पर तुले पकिया? सुनिए ससुर जी, मैं अपनी शर्त नहीं छोड़ने वाला। मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया, तुम तो मेरी जान लेकर रहोगे। मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मेरे प्यारे पकिया, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी रे। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन अपने बाप से कहो कि मेरी शर्त मान ले। बाबूजी, ये बहुत मुश्किल काम है। दिल से चाहो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, कोशिश करके देखो। शराब को देखते ही उससे दूर भागने की इच्छा को जागृत करो। कोशिश करके देखूंगा, वरना मैं धनु से शादी नहीं करूंगा। बाबूजी, अगर आपने पीना नहीं छोड़ा तो पकिया मुझसे शादी नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कारण मुझे आत्महत्या करनी पड़े। ऐसा मत बोलो बेटी, मत बोलो बेटी, मैं अपनी जान देकर भी इसे अपना दामाद बनाकर छोड़ूंगा। नहीं, 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 नहीं। आज से मैंने शराब छोड़ दी, अब तो मेरी धनु से शादी कर लो। आपने बोल दिया और मैं झट से मान लूंगा। इसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके सामने कसम खाना पड़ेगा, तब जाकर के मैं धनु से शादी करूंगा, समझ गए ना? जय हनुमान जी। मैं कसम खाता हूँ आज से मैंने शराब छोड़ दी। हंस क्यों रहे हो? तुम दोनों की खुशी के खातिर मैंने हनुमान जी के सामने कसम खाई और तुम दोनों ही करके हंस रहे हो, ये क्या बात है? शुक्रिया होने वाले ससुर जी, शुक्रिया। शुक्रिया किस लिए? आपकी शराब पीने की आदत को छुड़वाने के लिए मैंने और धनु ने ये नाटक किया। नाटक? अरे बाप रे, तुम दोनों ने अच्छा नाटक करके मेरे पीने की आदत को छुड़वा ही दिया। लेकिन बेटी, तुम माँ तो बनोगी ना? ये माँ कैसे बन जाएगी? वो बात झूठी बाबूजी। अरे बाप रे, ये बात झूठ है, कैसे मान लूं? ससुर जी, आपने अपने दामाद को चरित्रहीन कैसे समझ लिया? बात तो ठीक है, मैं ही उलझ गया था। उलझन सुलझ गई तो सोचना भी छोड़िए। याद रखिएगा, आपने आज से शराब नहीं पीने की कसम खाई है, हनुमान जी के सामने खाई है, याद रखिएगा। हाँ, ठीक है, जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ, तुम्हारे माँ बाप से जाकर मिलता हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? माँ बाप के बगैर कोई पैदा होता है क्या? ये बात तो सही है। वो दोनों तो एक दुर्घटना में मारे गए। सुनकर दुख हुआ। तब से मेरे माँ बाप दोनों ही हनुमान जी हैं। जिस दिन मेरे बॉस की शादी जानकी से होगी, उसी दिन मेरी भी शादी होगी। ओह, जिसमें सबकी खुशी, जैसे हनुमान जी चाहेंगे। जय हनुमान जी। हम चलते हैं, शादी की तैयारी भी तो करनी है। मेरी अच्छी खासी जिंदगी उस बंदर की वजह से नरक बन गई है। मैं जो करने जाता हूँ उस बंदर की वजह से नहीं कर पाता। अब बहुत हो गया, अब मैं जानकी, रघु और उस बंदर तीनों को मरवा डालूंगा, नहीं तो मेरा नाम नागराज नहीं। बात तो ठीक है, आपने मेरी और जानकी की शादी तो तय कर दी, मुझे भी दफ्तर से छुट्टी मिल गई है, मैं गांव जाकर घर वालों को ले आता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तुम यहाँ पर? वो मामी ने आपको बुलाया है। तुम्हारी मामी का क्या, मुझे तो तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक रघु और तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं करा दूं। आखिर मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? Thank you.
ना जाना पास तू ओ दिल रुबा, सुन जा तू वो जान जा, ना जाना पास तू ओ दिल रुबा। प्रेम का ये सफर बने दोनों हम सफर, दिल में है क्या असर, जान पे बसाए घर। सुन जा तू वो जान जा, ना जाना पास तू वो दिल रुबा। मीठी तेरी बात सब जानते हैं, मैंने माना ये तेरी अदा है। रोज का मिलन ना होगा सनम, फिर भी ये प्यार कम होगा ना बालम। मन में बस है तेरी ही छवि, बना दिया तूने मुझे भी कवि। ढूंढेगा तू मुझे मैं ना मिलूंगी, करेगा क्या कब मैं भी देखूंगी। फिर भी तुझे मेरे साथ ही सुन ले, तू मेरा सब कुछ है आज तू ये जान ले। पाना है जो पालेंगे, होना है जो होने दे, जाने जा तू दूर न जाना, लाज से पास आई मैं तेरी जान। कहते हंस के हर प्रेमी से दम सहते। संग है तो फिर क्या डरे वो मेरे हमदम, जग चाहे छुटे रब भले रूठे नहीं है कोई गम। जिस्म हो दो भले जान है एक ही, दूर ना जा ओ जान जा, पास आ सुन जा तू ओ दिल रुबा। जानकी, मिथिला नगर की कन्या जानकी को रघुराम अयोध्या ले जाएंगे, तुमसे अब दूर रहा नहीं जाता। अच्छा, इतना उतावलापन ठीक नहीं। चलता हूँ, मैं जल्दी लौट आऊंगा। सी यू, टाटा बाय। क्या सर की जीप यहाँ खड़ी है, लेकिन सर नहीं है। अरे रघुराम सर, रघुराम सर, रघुराम सर, आपको क्या हुआ सर? आप इस तरह नीचे क्यों गिरे? पकिया, मैंने घर जाने के लिए जीप में बैठकर जैसे उसे स्टार्ट किया, जोर का धक्का लगा और मैं नीचे गिर गया। ये बात है,
आपको चोट तो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, अब मैं समझ गया सर, आप प्यार के धुन में इतने खोए होंगे कि जीप का गियर बदले बगैर स्टार्ट कर दिए होंगे और झटके से बाहर गिर गए होंगे। ऐसा हो सकता है पकिया? बिल्कुल, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। धनु का बाप धनु की शादी मुझसे करने के लिए राजी हो गया। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ सर, बुड्ढा मान गया। वेरी गुड। मैं आपका सबसे अच्छा साथी हूँ। बिल्कुल, इसलिए तो सर जिस दिन आपकी शादी होगी उसी दिन मैं धनु से शादी करूंगा। बहुत अच्छा, वाह। सर आपको अपने गांव जाना ना, देर हो रही है, जाइए जल्दी। जाता हूं, लेट हो जाऊंगा। संभल के जाइए सर, हैप्पी जर्नी सर, जल्दी आइएगा। सर की जीप है या धूल उड़ाने की मशीन? नहीं, लेकिन शोभा के यहाँ चलने में क्या हर्ज है? तुझे तो पता है धनु, मैं ज्यादा कहीं आती जाती हूं। जानकी, किसी से मिलोगी जुलोगी नहीं तो जान पहचान कैसी बढ़ेगी? ओ, रघुराम जी की याद आ रही है, चलो ना। मैं नहीं चलूंगी। धनो, क्या बात है? देखिए ना मामा जी, ये हमेशा घर में ही बैठी रहती है। शोभा क्या हल्दी कुमकुम है, मैंने कहा चलो ना तो मना कर रही है। तो ये बात है जानकी, देखो बेटी, किसी के यहाँ हल्दी कुमकुम की रस्म में जाना बहुत ही शुभ काम माना जाता है। जाओ बेटी, जा। चलो भैया। आओ जानकी। अच्छा किया जो तुम मेरे घर चली आई। आओ आओ, आओ ना, बैठो भी। अच्छा शोभा, तुम्हें मन पसंद लड़का मिल ही गया? बिल्कुल। अच्छी बात है, हम तीनों को अपना मन पसंद लड़का मिल ही गया। अब देर मत करो, रसम पूरी कर लो, मुझे जाकर ढाबा संभालना है। सब कुछ तैयार है, मैं लेकर आती हूं। ए, जब देखो तुम रघुराम जी के ख्यालों में खोई रहती हो। ऐसी बात नहीं। प्रसाद के रूप में ये खीर बनाया है। जानकी, धनु सबर तो कर, खीर खाने का मौका कभी कभी मिलता है। जानकी, तुम्हारी शादी कब है? रघुराम जी गांव गए माँ बाप को लाने, उसके बाद ही होगी। जानकी का भाग्य बहुत अच्छा है, इसे इतना पढ़ा लिखा अच्छा लड़का मिला। जिस दिन इसकी शादी होगी उस दिन मेरी भी शादी होगी। अपनी शादी में मुझे जरूर बुलाना। अरे जरूर बुलाऊंगी, लेकिन तुम मत भूल जाना। पहले दिन तो तय होने दो। खीर अच्छी बनी है ना? बहुत अच्छा है। तो खाओ ना। खाओ ना ना जानकी, हमें जल्दी जाना है। अच्छा चलते हैं। चलो जल्दी। ठीक। क्या है शोभा? जो काम आप पूरा नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया। क्या किया तुमने? आज जानकी मर जाएगी। क्या शोभा? हाँ भैया, हल्दी कुमकुम के रस्म में धन्नो के साथ मैंने जानकी को बुलाया था और जानकी को मैंने जहर दे दिया। शाबाश शोभा, शाबाश। बस कुछ देर बाद ही जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। तड़
तड़प तड़प कर जानकी मर जाएगी, मर जाएगी। नागराज की बहन हो तुम, ये तुमने साबित कर दिया। शुभा, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? क्या क्या भैया, लगता है बोलो शुभा, बोलो बोलो ना, लगता है शुभा, शुभा लगता है गलती से अबू जहर मैंने खा लिया, मैंने खा लिया। मैंने रघु राम से प्यार किया है, जानकी की शादी उसे नहीं होनी चाहिए। आप उसे वादा कीजिए। तेरा भैया वादा करता है, इस रघु राम और जानकी को नहीं छोड़ूंगा। शुभा, शुभा। नागराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। नागराज जी, नागराज जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मामा जी सुनो पंचो, मुझे तुम लोगों का न्याय नहीं चाहिए। जानकी की वजह से मेरी बहन मरी है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ो, बचाओ, छोड़ दो मुझे, हट जाओ। ये कैसा न्याय है? हमारे सामने नागराज हमारे गांव की लड़की को जबरदस्ती उठा कर ले गया, हम ये होने नहीं देंगे। चलो भाइयों, चलाओ मत, कोई नहीं आएगा, चलो। क्या बात है मामा जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रघु, तुम ठीक ही कहा करते थे, नागराज मनुष्य नहीं राक्षस है, वो आज हमारी जानकी को उठा कर ले गया है। ए नागराज, कमीने छोड़ दे मुझे, नहीं छोड़ दे मुझे, नहीं छोड़ूंगा, कैसे Thank you.
हाँ।